हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जी क्लासेज तो गाइस गेट के फॉर्म्स निकले हुए हैं ट्वेंटी फोर्थ लास्ट डेट है जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया फिल है प्लीज़ वो फॉर्म फिल करिए और लास्ट डेट की वेट मत करिए uh, अगर ट्वेंटी फोर्थ के बाद भी कोई रह जाता है तो वो लेट फ़ीस के साथ फॉर्म फ़िल कर सकता है बट फर्स्ट अक्टूबर विदाउट विद लेट फीस भी लास्ट डेट है तो उससे उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो गाइज़ प्लीज़ जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप फिल कर सकें वो फिल करें तो गाइज आज हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो उसी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन पर बेस्ड है तो आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि टू मार्क्स क्वेश्चन है एंड मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इधर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा या उस पर आपके जीरो मार्क्स होंगे बट उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स आर नॉट सो टफ जस्ट यू हैव टू फोकस एंड मेक इट द सिंपल सोल्यूशन तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है किसी क्वेश्चन में आपको कोई इशू है तो प्लीज़ को वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे जहाँ पे इस वीडियो इस की पीडीएफ शेयर होगी तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है द हाउसिंग स्टॉक ऑफ ए टाउन हैज़ टोटल नंबर ऑफ़ नाइन जीरो नाइन यूनिट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ फोर

तो हमें हाउसिंग शॉर्टेज का परसेंटेज बताना है कि हमारे पास कितने परसेंट हाउसिंग या ड्वेलिंग यूनिट्स शॉर्टेज में हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या है टोटल ड्वेलिंग यूनिट्स Is equal to nine zero nine zero and total population is equal to forty five thousand four fifty or average number of household is equal to four point five. हमें यहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज uh, निकालना है तो सबसे पहले हम ड्वेलिंग यूनिट्स निकालते हैं तो टोटल ड्वेलिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड वो कैसे निकालेंगे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन तो फोर फाइव फोर फाइव ज़ीरो गिवन था टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें एंड एवरेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो गिवन फोर पॉइंट फाइव सो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हमें मिलेगा फोर्टी फाइव वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो सो हमें टोटल ड्वेलिंग यूनिट्स कितनी रिक्वायरमेंट है टेन थाउजेंड हंड्रेड बट अवेलेबल कितना है अवेलेबल ड्वेलिंग यूनिट्स इज इक्वल टू नाइन जीरो नाइन जीरो सो शॉर्टेज इज शॉर्टेज इज जीरो जीरो वन तो वन थाउजेंड टेन ड्वेलिंग यूनिट्स हमारे पास शॉर्टेज हैं सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज सो परसेंटेज ऑफ शॉर्टेज इज इक्वल टू कितना शॉर्टेज है हमारे पास वन थाउजेंड टेन डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वायर्ड ड्वेलिंग यूनिट्स कितनी है हमें टेन थाउजेंड हंड्रेड एंड परसेंटेज में हमें काउंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और होगा सो टेन सो परसेंटेज विल बी टेन सो टेन परसेंट हाउसिंग शॉर्टेज है आंसर विल बी टेन परसेंट आई होप सबको समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए हॉल इज फिफ्टीन मीटर लॉन्ग एंड ट्वेल्व मीटर वाइड इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल्स देन द वॉल्यूम ऑफ हॉल इन क्यूबिक मीटर इज हमें गिवन है हॉल की लेंथ एंड ब्रेथ एक इक्वेशन गिवन है कि सीलिंग एंड फ्लोर का जो एरिया है वो वॉल्स के चारों चारों वॉल्स के एरिया के इक्वल है तो हमें वॉल्यूम निकालना है हॉल का तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी गिवन है हमें ये एक हॉल है सो so, 15 एंड 12 मीटर हाइट अभी हमें गिवन नहीं है तो चलिए एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय ट्वेल्व लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व इज वन एट्टी इट्स गिवन इन मीटर सो मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग नॉट केवन बट एक रूम है जितना उसका फ्लोर एरिया होगा उतना ही सीलिंग एरिया होगा सो एरिया ऑफ फ्लोर प्लस सीलिंग इज इक्वल टू डबल होगा ना टू इन टू वन एट्टी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी मीटर स्क्वेयर अभी इक्वेशन ये है एरिया ऑफ फ्लोर प्लस सीलिंग फ्लोर प्लस सीलिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग थ्री सिक्सटी मीटर स्क्वेयर किवन है एरिया ऑफ फ्लोर सॉरी एरिया ऑफ वॉल्स सो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे दिस लेंथ इन टू हाइट लेट हाइट इज इक्वल टू एच हाइट कॉम ने एच एज्यूम कर लिया है तो फिफ्टीन इंटू एच प्लस ट्वेल्व इंटू एच इस वॉल का फिफ्टीन इंटू एच होगा इस वॉल का ट्वेल्व इंटू एच होगा अगेन फिफ्टीन इंटू एच एंड ट्वेल्व इंटू एच सो यहाँ पर हम डायरेक्ट uh, फार्मूला अगर लिखें सो टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट दिस विल बी द एरिया ऑफ फोर वॉल्स टू से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि फिफ्टीन भी टू बार है एंड ट्वेल्व भी टू बार है सो टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट सो थ्री सिक्सटी मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू टू इंटू में फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इंटू हाइट सो वी कैन कट टू वन एट्टी सो वन एट्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एच एच इज इक्वल टू वन एट्टी बाय

तभी वॉल्यूम निकलेगा ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सो लेंथ हमारे पास फिफ्टीन है ब्रेथ हमारे पास ट्वेल्व है हाइट हमारे पास सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स है सो लेट मी कैलकुलेट दिस फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स इट्स कम टू बी वन वन नाइन एट पॉइंट एट और इफ़ वी राउंड ऑफ इट्स ट्वेल्व हंड्रेड मीटर क्यूब इट्स इन क्यूब वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूब एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वेयर इट कैन बी मीटर स्क्वेयर इट कैन बी फीट स्क्वेयर वट एवर डायमेंशन इज गिवन सो कीप इन माइंड एरिया इज़ ऑलवेज इन स्क्वेयर वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूब सो आई होप सबको ये भी समझ आया होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए फाइव स्टोरीड बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए हंड्रेड बाई फिफ्टी मीटर प्लॉट हैविंग ग्राउंड कवरेज ऑफ सिक्सटी परसेंट एक कंडीशन है कि हंड्रेड बाई फिफ्टी प्लॉट पर ग्राउंड कवरेज सिक्सटी परसेंट है जिसपे फाइव स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है और दूसरा है फोर स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है सेम प्लॉट पर विद फिफ्टी परसेंट ग्राउंड कवरेज तो हमें दोनों का एफएआर एफ आर निकालना है एंड देन उनके एफ़ आई आर का रेशियो निकालना है तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू हंड्रेड बाई फिफ्टी कंसीडर फाइव थाउजेंड मीटर स्क्वेयर तो ये हमें गिवन है अभी केस वन केस वन में क्या है कि सिक्सटी परसेंट ग्राउंड कवरेज है सो इफ सिक्सटी परसेंट ग्राउंड कवरेज इज देयर सो सिक्सटी बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट कितना होगा थ्री थाउजेंड मीटर्स स्क्वेयर एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड फाइव फ्लोर्स एज गिवन इन क्वेश्चन फाइव स्टोर इट इज गिवन सो टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग बिल्टअप इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड ये केस वन सोल्व हो गया अपना केस टू में क्या है फिफ्टी परसेंट ग्राउंड कवरेज एंड फोर स्टोरी सो फो सेम फिफ्टी बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव थाउजेंड सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वेयर एंड टोटल एरिया विल बी ज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर फोर स्टोर इट गिवन सो इट्स कम टू बी टेन थाउजेंड नाउ एफ ए आर इन केस वन एफ ए आर इज फ्लोर एरिया रेशियो विच इज टोटल बिल्टअअप एरिया डिवाइडेड बाय द साइट एरिया सो केस वन में क्या होगा एफ आई आर ऑफ केस वन सो टोटल बिल्ट अप एरिया केस वन में हमारे पास है फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई प्लॉट एरिया कितना है हमारे पास फाइव थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड इज थ्री इज इक्वल टू थ्री एफ आई आर इसका थ्री आ गया एंड एफ आई आर इन केस टू टेन थाउजेंड हमारे पास टोटल बिल्ट अप एरिया है एंड फाइव थाउजेंड हमारे पास प्लॉट एरिया है सो एफ आई टू अभी रेशियो निकालना है रेशियो सो so, रेशियो विल बी रेशियो इज इक्वल टू थ्री बाय टू विच कम टू बी वन पॉइंट फाइव सो द रेशियो एफ आई आर बिटवीन ऑप्शन वन एंड टू इज पॉइंट फाइव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

let's see so when a simply supported beam is having centrally concentrated load then maximum bending moment maximum bending moment is equal to w l by 4 w is centrally concentrated load centrally concentrated load which is 16 kN given l is effective span effective span which is 5 meter so maximum bending moment will be 16 into 5 divided by 4 4 for the 16 4 5 20 so 20 kilo newton meter is the answer and a simplest question just take formula and टू मार्क्स आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसे क्वेश्चन सिंपलेस्ट होते हैं आपको मार्क्स टू मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो स्कोर करना ईजी रहता है न्यूमेरिकल स्कॉन्शिप में बट डू नॉट वेस्ट टाइम इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर और यू डू नॉट हैव क्लियरेंस अबाउट द क्वेश्चन सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉपूलेशन ऑफ एट टाउन एज पर सेंसस टू थाउजेंड इलेवन वाज ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन थर्टी एंड द पॉपुलेशन एज पर सेंसेस टू थाउजेंड वन वाज फिफ्टीन थाउजेंड सेवन सेवेंटी कंसिडरिंग अर्थमेटिको प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन विल भी यहाँ पे आपको टू थाउजेंड इलेवन का पॉपुलेशन दिया है टू थाउजेंड वन का पॉपुलेशन दिया है एंड हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उसका ग्रोथ अगर हम कंसिडर करें तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में हमें पॉपुलेशन बतानी है सो so, it's also a easiest question let's see so given hai 2011 me population kitna hai 22730 and 2001 me 15770 so let's see what's the difference 0 six, 9 6 सो सिक्स नाइन सिक्स ज़ीरो टोटल डिफ टाइम कितना है टेन ईयर्स टेन ईयर्स में सिक्स नाइन सिक्स ज़ीरो पॉपुलेशन बढ़ी है सो इफ़ यू कंसिडर वन ईयर ग्रोथ वन ईयर ग्रोथ सो सिक्स नाइन सिक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई टेन विच इज़ सिक्स नाइन्टी सिक्स पर्सनस और वी कैन से पॉपुलेशन पर ईयर इंक्रीज हुई है सिक्स नाइन्टी सिक्स सो हमें टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा है 2011 से कंसीडर करें 2016 तक 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 2011 का पॉपुलेशन डाटा हमारे पास है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमें नेक्स्ट फाइव ईयर का कैलकुलेट करना है अगर वन ईयर में हमारे पास सिक्स नाइन्टी सिक्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फाइव ईयर में कितनी होगी सिक्स नाइन्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव सिक्स आर थर्टी फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव फोर्टी एट फाइव सिक्स आर थर्टी थ्री फोर एट ज़ीरो सो थ्री फोर एट ज़ीरो नेक्स्ट फाइव ईयर में होगी बट टू थाउजेंड सिक्सटीन में थ्री फोर एट ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज टू थाउजेंड इलेवन की पॉपुलेशन हम जब तक उसमें ऐड नहीं करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन फाइव ईयरस का पॉपुलेशन ग्रोथ है नॉट टू थाउजेंड सिक्सटीन का सो इन टू थाउजेंड सिक्सटीन पॉपुलेशन विल बी 2011 की पॉपुलेशन है हमारे पास 22730 एंड 3480 नेक्स्ट फाइव ईयर में जो ग्रोथ हुई है जीरो एट इलेवन टिक्स टू सिक्स टू वन ज़ीरो इज द करेक्ट आंसर तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना आपने फाइव ईयर की पॉपुलेशन थ्री फोर एट जीरो निकाली है कॉमन सी चीज़ देखिए टू थाउजेंड इलेवन में अगर ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन थर्टी है तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में कम कैसे हो सकती है सो थ्री फोर एट जीरो इज द ग्रोथ इन द नेक्स्ट फाइव ईयर सो टू थाउजेंड इलेवन की पॉपुलेशन में जब हम ग्रोथ एड करेंगे तो टू थाउजेंड सिक्सटीन की पॉपुलेशन निकलेगीट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए फिफ्टीन मीटर लॉन्ग थ्री मीटर वाइड ड्राइव वे नड्स टू बी पेव्ड विथ थ्री हंड्रेड एम एम बाई थ्री हंड्रेड एम एम स्क्र टाइल्स इफ ईच पैकेट कंटेन्स थर्टी नंबर ऑफ टाइल्स देन नम द नंबर ऑफ पैकेट्स टू बी प्रोक्योर टू पेव द होल एरिया हमारे पास एक एरिया है फिफ्टीन बाई थर्टीन मीटर ड्राइव वे जिसमें हम थ्री हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड एम एम की टाइल्स यूज हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि हमें एरिया जो ड्राइव uh, वे दिया है वो मीटर में है और टाइल हमारी एम mm एम में है तो आइदर कन्वर्ट ड्राइवे डायमेंशन इंटू एम एम और एम एम डायमेंशन इंटू मीटर तो ड्राइव एरिया इज इक्वल टू फिफ्टीन मीटर बाय थ्री मीटर विच इज फोर्टी फाइव मीटर स्क्वेर एंड टाइल वन टाइल एरिया इज इक्वल टू पॉइंट थ्री बाय पॉइंट थ्री थ्री वन मीटर इज इक्वल टू वन मीटर इज इक्वल टू थाउजेंड एम एम और 100 सेंटीमीटर सो so, अगर आप एम mm को एमएम mm से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर इज इक्वल टू थाउजेंड एमएम थाउजेंड एम एम सो व्हेन वी कन्वर्ट थ्री हंड्रेड इंटू मीटर इट्स पॉइंट थ्री मीटर

जीरो पॉइंट जीरो नाइन विच कम्स टू बी फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है अभी क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ईच पैकेट कंटेन्स थर्टी नंबर ऑफ टाइल्स टाइल की पैकेट में एक पैकेट में थर्टी टाइल्स हैं तो हमें कितने पैकेट रिक्वायर्ड हैं तो टोटल पैकेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी विच कम्स टू बी

वन इन एटी हर एक मीटर में और वन यूनिट में एट्टी यूनिट्स ड्रॉप है तो फिफ्टी मीटर में कितना होगा सो लेट्स सी अगर आपका एक पाइप है और वो स्लोप में है तो अगर ये एक यूनिट है वन यूनिट तो उसे 80 यूनिट मूव करना पड़ता है एक यूनिट ड्रॉप के लिए तो फिफ्टी मीटर में हमें कितना ड्रॉप होगा सो वन एटी मीटर ड्रॉप है वन एटी यूनिट नोट वी डू नॉट कंसिडर द मीटर एटी यूनिट में वन यूनिट ड्रॉप है सो वन यूनिट में कितना होगा वन बाय एट्टी एंड फॉर फिफ्टी मीटर इट्स कम टू बी लेट्स कंसीडर इन मीटर ओनली बिकॉज फिफ्टी मीटर इज गिवन सो एट्टी मीटर में वन मीटर ड्रॉप है तो वन मीटर में वन बाई एट्टी एंड इन फिफ्टी मीटर वन बाय एट्टी बाय इन टू फिफ्टी सो फाइव बाय एट मीटर और लेट मी क्लियर इट how 5 divided by 8 is considered 620.625 why i calculate this because if you consider fall in millimeter in question uh, the unit is given meter but answer is asking in millimeter so 0.625 meter is there and 1 meter is equal to 1000 mm so पॉइंट सिक्स टू फाइव इज़ इक्ल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव एम एम सो आंसर विल बी सिक्स ट्वेंटी फाइव सो फिफ्टी मीटर में सिक्स ट्वेंटी फाइव एम एम ड्रॉप होगा ओके गाइज आई होप आप सबको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे किसी की कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी क्वेरीज डाल सकते हैं मैं आपको ऐसो एज रिस्पॉन्स करूँगा एंड Thank you.